बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूल। जिन जमातों के तलबा को पाबंद किया गया है वो नमाज पढ़ते ही फ़ौरन आकर बैठ जाया करें, नहीं तो मजलिस में आने के लिए कई तलबा मुंतज़िर हैं और दरख्वास्तें दे रहे हैं, तो ऐसा न हो कि फिर उन लोगों को मुक़द्दम कर दिया जाए गाफिलों के मुकाबले। तो गफलत ना बरतें। आजकल असर और मगरिब के दरमियान वक्त बहुत मुख्तसर होता है, दुआ हुई और फ़ौरन आकर बैठ जाना चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ खानका में सुबह में ज़िक्र होता है। मौलाना नसीर साहब हमारी तरफ से नयाबतन यहाँ मौजूद रहते हैं। अपनी फ़िक्र से ज़ौक़ से तमाम तलबा को दोनों जमातों की पाबंदी से मौजूद रहना चाहिए और एहतमाम से ज़िक्र करना चाहिए। बाज़ लोग हैं पाबंदी नहीं करते, हीले बहाने, और बाज़ लोग हैं आते तो हैं मगर एहतमाम और जी लगा के नहीं। थोड़ा सा अल्लाह का ज़िक्र है 24 घंटे में अपने को आदत डालने के लिए बहुत अहम और ज़रूरी काम है। सुबह की नमाज के बाद याद इलाही से ही अपने कामों का आगाज़ किया जाना चाहिए। इसलिए ज़िक्रुल्लाह में दिलचस्पी से और दिल जमई से शरीक हूँ। मैं भी इसमें शरीक रहा करता था, लेकिन आजकल कसरत से असफार होते हैं, रात 12-1 बज जाते हैं, इसलिए फजर के बाद आकर ज़्यादा देर बैठना यहाँ मुश्किल होता है और कभी मुताला भी करना होता है, घंटा बहुत करीब होता है। तो इस वजह से मौलाना को यहाँ बिठा दिया गया है। तो आते हैं घर से और पाबंदी कराते हैं, तो आप लोगों को भी पाबंदी करना चाहिए। बल्कि वो ना आ सकें किसी वजह से भी, तो अपने मामूलात अपने फ़िक्र से पूरे करके जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिनाल करीम, अम्मा बाद। 8 अक्टूबर 1998 ईस्वी को जुमेरात के दिन फजर के बाद मस्जिद हमजा में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये बातें बयान फरमाई। इरशाद फरमाया कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कोई आयत तिलावत फरमाए तो उसका असर बढ़ जाएगा। जैसा क़ल्ब होता है वैसी ज़बान हो, इसलिए दिल बनाने की ज़रूरत है। ज़बान की तासीर क़ल्ब की कीमत पर है। अगर दिल कीमती है, अल्लाह वाला है, तो ज़बान भी अल्लाह वाली होगी। ज़बान का असर ताबे है क़ल्ब के, जैसा दिल होगा वैसी ही ज़बान होगी। और अगर इसी आयत की नबी तिलावत कर दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत का क्या असर होगा, और अगर नबी तिलावत करें तो उसका असर उसी एतबार से होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तिलावत आपके सदक़े में ऐसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ऐसी थी कि काफिर लोग अपने बच्चों और दोस्तों को मना करते थे कि इनकी तिलावत सुनने मत जाया करो, क्योंकि वो ऐसे दर्द से तिलावत करते थे। तो लोग मुसलमान हो जाते थे तो काफिर मना करते थे कि इनकी तिलावत मत सुना करो, लेकिन जब वो लोग फिर भी नहीं माने और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तिलावत सुनने पहुँचे तो देखा कि जिन लोगों ने मना किया था वो पहले से पहुंचे हुए थे। अल्लाह ताला के दीन में कशिश है, अल्लाह के नाम में कशिश है, क्योंकि सारी दुनिया के मकनातीस कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता है। तो फिर अल्लाह के नाम में कितनी कशिश होगी, और जो अल्लाह का नाम लेते हैं उनके अंदर कितना मकनातीस होगा, और जिनके दिल में अल्लाह होगा उनके कल्ब का क्या आलम होगा। जिक्र करने वाले जो अल्लाह का नाम लेते हैं तो अल्लाह के नाम की बरकत से उनके अंदर भी मकनातीस का असर आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक मकनातीस है। लिहाजा जो अल्लाह अल्लाह करता है उसमें भी मकनातीस का असर आ जाता है। लेकिन जिनके दिल में वो मकनातीस पैदा करने वाला भी आ जाए, यानी वो ऐसा जाकिर है जो मस्कूर को भी अपने दिल में रखता है, मौला भी उसके दिल में है, तो उसका असर कैसा होगा। इसके मकनातीस को सारे आलम के जाकिरीन नहीं पा सकते। जाकिर तकवा की बरकत से अपने नूर को निकलने नहीं देता, स्टीम को ज़ाया नहीं करता। जैसे जो आँख की हिफाजत नहीं करता उसका नूर आँखों के रास्ते निकल जाता है। बाज़ लोग गाना सुनते हैं तो उनके दिल का नूर कान से निकलता है। उसका नाम है राह शुनीदनी। जो हर तरफ से हिफाजत करेगा फिर उसकी स्टीम ऐसी होगी जिससे हवाई जहाज़ उड़ जाएगा। अगर हवाई जहाज़ रनवे पर तेज़ दौड़े और सुई ने बता दिया कि उड़ने की स्टीम पैदा हो गई मगर उसकी टंकी में कोई सुराख कर दे और स्टीम निकल जाए तो जहाज उड़ सकेगा। तो जब शैतान देखता है कि यह बंदा अपने शेख पर आशिक है और जल्द वली अल्लाह होने वाला है, उसकी स्टीम बहुत तेज है, तो फौरन उसे किसी लड़के या लड़की के चक्कर में डाल देता है। जैसे जो चिड़िया उड़ना चाहती है और शिकारी चाहता है कि न उड़े तो उसके पर में गोंद लगा देता है, फिर वो फड़फड़ाती है मगर गोंद की वजह से उड़ नहीं सकती। तो शैतान हमें मरने वाली लाशों के चक्कर में डालकर लाशे कर देता है, लाशय कर देता है। इसीलिए हमारे अकाबिर ने फरमाया कि इबादत चाहे थोड़ी हो, स्टीम थोड़ी हो, मगर उसकी हिफाजत की कोशिश ज्यादा करो। कम कमाओ लेकिन कमाई को जाया न होने दो, कम कमाओ मगर मत गवाओ। ज्यादा कमाओ और डाकुओं को दे दो तो क्या फायदा है, मेहनत जाया हुई। बाज लोग इबादत बहुत करते हैं मगर बुजुर्गों से ताल्लुक न रखने से तौफीक तकवा से महरूम रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तकवा चाहते हो तो मेरे तकवा वाले बंदों के साथ रहना पड़ेगा। कूनू मास्सादिकीन का तर्जमा देख लो, अहले तकवा के साथ रहोगे तो तुम भी मुत्तकी हो जाओगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह हम आपको, ऐ अल्लाह हमको माफ़ी दीजिए और आफ़ियत दीजिए और दुनिया और आखिरत में मुआफ़ात दीजिए। तो मैं आज के सबक में इन तीन नेमतों की शरह करूँगा, अफ़्व की, आफ़ियत की और मुआफ़ात की। नंबर एक, अफ़्व के माना है कि हमारे गुनाह को न सिर्फ बख्श दीजिए बल्कि उनके निशानात भी मिटा दीजिए। जैसे एक शख्स ने गलत लिखा और उसको काट दिया तो देखने वाला समझ जाता है कि इससे गलती हुई है। तो ऐ अल्लाह हमारे नामे आमाल से हमारे गुनाहों को सिर्फ काटिए ही नहीं बल्कि मिटा दीजिए, नथिंग कर दीजिए। क्रॉसिंग में तो नजर आ जाएगा कि भाई इसने कोई गुनाह किया था, ये देखो अल्लाह ने उसे क्रॉस कर दिया। नहीं, क्रॉसिंग के बजाय नथिंग कर दीजिए, उसका निशान भी मिटा दीजिए। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने आफ़व के माना महव लिखे हैं। महव माना मिटाने के हैं कि हमारे गुनाह को क्रॉस करने के बजाय मिटा दीजिए, जिसकी तफसीर अल्लाह पाक की आयत करती है कि जब बंदा तोबा करता है तो तोबा की बरकत से हम उसकी बुराइयों की जगह नेकियां लिख देते हैं। बुराई का वजूद भी नहीं होता, सब गुनाह खत्म करके वहाँ नेकियां लिख दी जाती हैं। वो आयत ये है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। हम उसकी तमाम बुराइयों को मिटा करके नेकियां लिख देते हैं। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूह उल-मानी में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बुराइयों को नेकियों से तीन तरीके से तब्दील करता है, यानी तब्दीली के तीन तरीके होते हैं। नंबर एक शख्स फिल्मी गाने गाता है, अब हज कराया, तौबा कराया तो नामे आमाल में जहाँ उसका गाना लिखा था वो मिटा कर अल्लाह ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लिख दिया। जिन आँखों से औरतों को देख रहा था उस गुनाह को माफ़ी और तौबा की बरकत से काट कर वहाँ किसी अल्लाह वाले को देखने के अमल को लिख दिया, या काबा शरीफ की जियारत का अमल, या अल्लाह की मखलूक़ात को देख कर इबरत हासिल करने का सवाब लिख दिया। एक तरीका यह है कि उसकी बुराइयों को मिटाकर अल्लाह ताला उसकी नेकियों को लिख देते हैं। बुराइयों की रील साफ करके उस पर नेकियों की रील चढ़ा देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों के तकाजों की शिद्दत को नेकियों के तकाजे की शिद्दत से बदल देते हैं, यानी मलिकाए तकाजाए मासियत को मलिकाए तकाजाए हसना से तब्दील कर देते हैं, मलिकाए तकाजाए सय्या को मलिकाए तकाजाए हसना से बदल देते हैं। यानी जिस शिद्दत से हर वक्त गुनाहों के लिए पागल होता था, हर वक्त दिल चाहता था कि गुनाह करो, औरतों को देखो, हसीनों को देखो, नजर लड़ाओ, अब उसको अल्लाह ताला उसी शिद्दत से नेकियों का मलिका अता करते हैं। यहाँ मलिका के माना है आदत का रुसूख। जैसे कहते हैं कि शेर कहने में उनको बड़ा मलिका है, तो यहाँ मलिका से रुसूख खसलत, रुसूख आदत मुराद है। अब अगर मलिका की शरह न करो तो लोग कहेंगे कि भाई यहाँ तो मलिका एलिजाबेथ का तस्करा हो रहा है। तो अल्लाह ताला मलिक तकाजाए मासियत को मलिकाए तकाजाए हसनात से बदल देते हैं। यानी जिसके दिल में हर वक्त गुनाह का तकाजा है उसको हर वक्त नेकियों का तकाजा होने लगेगा। जैसे बाज लोग घर से बाहर इसी नीयत से निकलते हैं कि उस मार्केट चलो जहां मर्द औरत मिलकर चलते हैं और खूब रश होता है, इस बहाने हम कुछ हराम मजे ले लें। तीसरा तरीका यह है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इस बंदे के तमाम सगायर को मिटा दो और वहाँ हमारी तरफ से हसन नुकसानात लिख दो। पहले बंदे की अपनी कमाई थी, उसने जो कमाया था उसको मकसूबात थे, उसके मकसूबात थे यानी उसकी कमाई हुई चीजें थी, और यहाँ मेरे मौहूबात होंगे यानी मेरी अता की हुई चीजें होंगी। लिहाजा उसकी बुराइयों को काट कर वहाँ नेकियां लिख दो। तो अव्वल में और सानी में क्या फर्क हुआ? अव्वल में इसी की कमाई थी, उसी के मकसूबात थे, और यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से मौहूबात और बख्शिश होगी, उसकी कमाई नहीं होगी। यानी जो पहले नंबर में बताया है वो ये बताया है कि उसी के गुनाहों को मिटाकर वहाँ उसी की नेकियां लिख दी जाती हैं, जो उसने कमाई हैं, जो किए हैं वो लिख दी जाती हैं। जैसे हजरत ने दो मिसालें दी थी कि गाना सुनने की जगह पर जो है लिख दिया जाता है जिक्रुल्लाह, और इसी तरीके से गैरुल्लाह को, नामहरमों को देखने की जगह पर लिख दिया जाता है काबतुल्लाह की जियारत, औलिया अल्लाह की जियारत, इसको लिख दिया जाता है। तो दोनों अमल उसी की कमाई है। बुरा काम भी उसने किया था, फिर उसकी तौबा कर ली, उसे माफ कर दिया, काट दिया, वो मिटा दिया गया, उसकी जगह उसी की हुई कोई नेकी वहाँ पर लिख दी गई उसकी जगह। अब ये जो दूसरा तरीका बता रहे हैं उसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से, उसकी कमाई तो गुनाह था, जब तौबा कर लिया सच्ची तो गुनाह को काट दिया और मिटा दिया। अब जो खाली जगह है इसे अपनी तरफ से कोई नेकी लिख देते हैं जो उसने किया नहीं है, सिर्फ अल्लाह अपनी तरफ से लिख देता है कि ये भी एक नेकी लिख दो, अगरचे नहीं किया मगर तौबा की बरकत से मैं उसको एक नेकी करना लिख देता हूँ, तो वहाँ नेकी लिख देते हैं अपनी तरफ से। तो दोनों में ये फर्क बता रहे हैं कि पहले में जो लिखा गया वो मकसूब है यानी उसका कमाया हुआ, कसब किया हुआ है, और दूसरे में जो अल्लाह ने लिखाया वो मकसूब नहीं मौहूब है यानी अल्लाह का वहब किया हुआ, अता किया हुआ। तीसरा तरीका यह है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों को हुक्म देंगे कि उस बंदे के तमाम सगायर को मिटा दो और वहाँ हमारी तरफ से हसनात लिख दो। पहले बंदे की अपनी कमाई थी, उसने जो कमाया था उसके मकसूबात थे, और यहाँ मेरे मौहूबात होंगे, लिहाजा उसकी बुराइयों को काट कर वहाँ नेकियां लिख दो। तो अव्वल में और सानी में यह फर्क हुआ। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह फरमाते थे कि पूरी दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा नाजिल हुआ है। पूरी दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, वहाँ से लेकर अब तक और फिर क़यामत तक जितने लोग हैं उनके लिए अल्लाह ताला की रहमत का एक हिस्सा नाजिल हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी औलाद पर रहम करते हैं, उस्ताद शागिर्द से, शेख मुरीद से, माँ बाप बच्चे से मोहब्बत करते हैं। ये सब उस एक हिस्से मादे रहमत का असर है। 99 हिस्से अल्लाह ने अभी बचाए हुए हैं, क़यामत के दिन उसको जाहिर फरमाएंगे। तो मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसको तुम समझते थे कि वो जहन्नम में जाएगा वो सब जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की एक हिस्से रहमत में तो ये हाल है कि उसकी वजह से हम किसी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब बांग्लादेश में सैलाब आया तो कितने लोग बेचैन हो गए, दुआएं मांग रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। तो 99 हिस्से रहमत को अल्लाह ने महफूज रखा है, जिसका ज़ुहूर क़यामत के दिन फरमाएंगे। तो कुतुबुल आलम मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत में ऐसे ऐसे लोग बख्शे जाएंगे जिनको हम समझते थे कि ये जहन्नम में जाएगा, इसलिए किसी के बारे में नाउम्मीद मत होना। आफ़ू की तफसीर हो गई कि अल्लाह ताला गुनाहों की सिर्फ माफ़ी नहीं देंगे बल्कि गुनाहों के निशानात तक मिटा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा ताबल अब्दु अनसल्लाहुल हफज़त ज़ुनूबहु व अनसा ज़ालिका जवारिहहु व मआलिमहु मिनल अर्ज़। जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भी उसके गुनाह भुला देता है, ताकि माफ़ी मिलने के बाद फरिश्ते ये न कहें कि ये ऐसा है वैसा है, चुना है चुनी है, और अल्लाह ताला उसके आज़ा को भी तमाम गुनाह भुला देंगे जिन आज़ा से गुनाह किया था, और वो आज़ा क़यामत के दिन उसके खिलाफ गवाही देते अगर तौबा न होती और अल्लाह माफ़ न करता। तो उन आज़ा से भी तौबा की बरकत से अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह भुला देंगे। और ज़मीन पर जहाँ जहाँ उसने गुनाह किया था तो ज़मीन पर उनके निशानात को भी मिटा देंगे। तो ये है अफ़्व कि ऐसी माफ़ी दे दीजिए कि निशानात और गवाही और कहीं भी किसी किस्म का वजूद और जिक्र ही न रहे। और आफ़ियत के दो माना है, नंबर एक कि हमारा दीन किसी फितने में मुब्तला न हो, दीन मफतून न हो, फितना न पैदा हो। क्या मतलब कि हम सर से पैर तक आपके रहें और सर से पैर तक हमारे आज़ा किसी नाफरमानी में मुब्तला न हो। अगर मखलूक नाराज भी हो तो फिक्र न करो। बाज लोगों को शैतान यूं धोखा देता है कि अगर इस हसीन लड़के से बात ना करोगे तो वो कहेगा कि ये कैसे बदअखलाक लोग हैं, और वो बातें बनाता है कि चाय ले आइए, काफ़ी ले आइए, जैसे बदअखलाक लोग हैं। या जैसे जहाज़ों में एयर होस्टेस जहाज़ में अपने आप को बिल्कुल करीब करके अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी किसी में पूछती हैं कि हुजूर क्या चाहिए, और वो बातें बनाता है कि चाय ले आइए, काफ़ी ले आइए। एक साहब ने मुझसे कहा कि अगर हम उनसे बात ना करें तो उनको बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा कि उनको गुस्सा आता है मगर अल्लाह को तो प्यार आएगा, हमें ये देखना है कि किसके गुस्से से बचना है और किसके गुस्से की परवाह नहीं करना है। लोग जो कुछ चाहे कह लें, हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं मगर अपने अल्लाह को नाराज करने के लिए तैयार नहीं। हमारे एक दोस्त थे अहमद रशीद, बड़े जरी थे और अंग्रेजी शानदार थी, अलीगढ़ के पढ़े हुए थे। जर्मनी में एक रेल में बैठे एक कम उम्र जर्मन लड़की उनके बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। वो बड़ी उम्दा शेरवानी पहने और लखनऊ वाली शानदार टोपी लगाए हुए थे तो बुढ़े मगर उस लड़की को अच्छे लगे। तो उस लड़की ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। अंग्रेजी दोनों की बड़ी अच्छी थी। उसने अंग्रेजी में कहा, ये आपका इस्लाम है? इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर आपने मेरा दिल तोड़ दिया। हमने तो मोहब्बत से हाथ बढ़ाया था, आपने नफरत से खींच लिया। तो अहमद रशीद ने मुझे बताया कि मैंने उस जर्मनी लड़की को जवाब दिया कि देखो, अगर मेरा हाथ और तेरा हाथ मिल जाएगा तो मुझे करंट लग जाएगा, मेरा ईमान जलकर खाक हो जाएगा, और अगर करंट ज्यादा हो गया तो मैं तुझसे लिपट जाऊंगा, और लिपटने के बाद और क्या होता है उसको तू खुद सोच ले। बस वो डर गई और खिसक गई और कहा वेरी गुड। और उसने कहा तो देखो, इन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि ये लड़की क्या कहेगी। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत और तौफीक दे। सारा जहां खिलाफ हो परवाह ना चाहिए, पेशे नजर तो मर्ज ये जाना ना चाहिए। फिर उस नजर से जांच कर तू कर ये फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या ना चाहिए। हमारी जिंदगी मालिक पर वक्फ है, फिक्र न करो। अल्लाह ताला पर जो मरता है वो खुद उनको संभालता है, जो अल्लाह पर फिदा होता है उसकी आबरू को अल्लाह ताला संभालता है। तो आफियत का पहला तर्जमा है कि दीन में फितना न हो, यानी सर से पैर से किसी उज़्व से हम गुनाह में मुब्तला न रहें। अगर खता हो जाए तो फौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार से अल्लाह को राजी कर लें, देर न करें, ताकि तौबा व इस्तिग़फ़ार की बरकत से हमारे गुनाह क्रास न हो बल्कि मिटकर खत्म ही हो जाएं, और इससे भी बढ़कर हमारे गुनाहों की जगह नेकियां लिख दी जाएं। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन का इनाम मिल जाए, लेकिन ये नेमत तीन शर्तों से मिलेगी, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, यानी ईमान भी हो, तौबा भी हो और नेक अमल भी करता रहे। ये नहीं कि शराब पीता है और रोजाना कहता है अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। लिहाजा अमल सालिह भी करो, गुनाहों से भी बचो। तीन शर्तों से मकाम तब्दील, सय्यात की नेमत मिलेगी। अब अगर कोई कहे कि बगैर ईमान के तो तौबा कबूल ही नहीं होती, काफिर की कुफ्र की हालत में तौबा कबूल होगी, फिर अल्लाह ताला ने इल्ला मन ताबा को आमना पर मुकद्दम क्यों फरमाया? तो मैंने फौरन तफसीर देखी। जब मुझे खटक होती है तो मैं अपनी अक्ल से नहीं काम लेता, लिहाजा मैंने फौरन रूहुल मानी देखी। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ये जवाब दिया कि यहाँ इल्ला मन ताबा से मुराद ताबा अनिल कुफ्री व शिरकी है, क्योंकि हालत कुफ्र और शिरक से तौबा कर लो ईमान कबूल होगा। तो आफियत के दूसरे माना यह है अस्सलामतु फिल बदनी मिन सय्यिल अस्कामी वल मिहना, के जिस्म सख्त बीमारी में मुब्तला न हो, जैसे गुर्दे खराब हो जाएं, फालिज हो जाए, एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाएं, कैंसर वगैरह हो जाए, तो ये सख्त बीमारियां हैं, उनसे बदन सलामत रहे। और नजला जुकाम हरारत वगैरह ये सख्त बीमारियां नहीं हैं। और वल मिहना से मुराद हर वक्त सख्त मेहनत में मुब्तला है या रोजी मुसीबत से मिल रही है। हमारे एक दोस्त जो मेरे खलीफा भी थे, मजजूब थे, मगरिब से ईशा तक वो जिक्र में रोते थे। हकीम भी थे, किसी के स्वेटर के ऊपर से इंजेक्शन लगा दिया, किसी की पतलून के ऊपर से लगा दिया। अगर कोई कहता कि इंजेक्शन लगाने से पहले स्प्रिट नहीं लगाया, जरासीम चले जाएंगे, तो कहते कि हमने जरासीम के खालिक से राबता किया हुआ है, कोई जरासीम नहीं आएंगे। बड़े सिफात के आदमी थे, टेक्सला में रहते थे, दूर दूर से मरीज आते थे, बड़े बड़े डॉक्टर उनके मुकाबले में ठहर नहीं सके, जबकि वो पुराने काई लगे हुए लोटे के पानी से सिरंज साफ करते थे। तो उनसे किसी ने कहा कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, सारा माशरा खराब है, तुम अकेले कैसे दीन फैलाओगे? उन्होंने कहा कि अगर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता तो खुद तो फूट सकता है, हम अल्लाह पर फिदा हो जाएं, हमारा काम बन गया। हम नहीं जानते सोसाइटी बदलेगी या नहीं बदली, हम सोसाइटी के जिम्मेदार नहीं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी नहीं मानती तो कम से कम हमें तो जन्नत मिल जाएगी, हमसे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, कैसी प्यारी बात की। तो मैं हकीम साहब का किस्सा सुना रहा था कि जब वो हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान से आए तो वहाँ यहाँ उनका दवाखाना था, यहाँ रोजी नहीं मिली तो बर्फ बेचना शुरू किया। तो क्योंकि पिंडी में सड़क ऊंची नीची है, लिहाजा साइकिल पर पीछे बर्फ की 2 मन की सिल रखी है और वो बेचारे पतले दुबले थे। तो अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह मियाँ आपने मुझे गधा तो नहीं पैदा किया जो गधे वाला काम ले रहे हैं और मैं बोझ उठा रहा हूँ, आपने इंसान पैदा किया है तो आप मुझ पर रहम कर दीजिए, मेरी रोजी को आसान कर दीजिए, यानी मशक्कत की रोजी से नजात दीजिए। फिर उसके बाद अल्लाह ने उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए, मगर दुआ कैसी की कि अल्लाह मियाँ आपने मुझे गधा तो नहीं बनाया और काम ले रहे हैं गधे वाला। ये मजजूबों की बढ़ है, जब ऐसा ना कहें, मजजूब बच्चों की तरह होते हैं, अल्लाह ताला उनकी बात पर नाराज नहीं होते। सब लोग ऐसा ना कहें, ये होते हैं बाज लोग असहाबे नास कहलाते हैं, वो अल्लाह ताला पर नास कर लेते रहते हैं, वो बिल इरादा नहीं होता, वो खास ताल्लुक का नतीजा होता है। बाकी दूसरे लोगों के लिए जो मजजूब नहीं है ये सूए अदब है, अदब से अल्लाह ताला से अपनी हाजत मांगना चाहिए। और मुआफात के माना है युआफीकल्लाहु मिनन्नास, अल्लाह तुम्हें मखलूक के शर से बचाए, व युआफीहिम मिनका, और मखलूक को तुम्हारे शर से बचाए। जो मखलूक के शर से बच जाए और मखलूक उसकी शर से बच जाए तो उसको मुआफात हासिल है। क्या मतलब है कि न तुम सताओ न सताए जाओ, न जालिम बनो न मजलूम। इस हदीस की ये शरह मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने की है। बस आज का ये सबक है। कल बरतानिया से हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, मौलाना अयूब सूरती साबक मुहद्दिस तर्केश्वर और मौलाना आसिफ तवक्कुल आ गए। दुआ करो कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। ए अल्लाह हमारे इस सफर को कबूल फरमा, सेहत और आफियत के साथ, सलामती ईमान और सलामती आज़ा के साथ जिंदगी नसीब फरमा, और सलामती ईमान और सलामती आज़ा के साथ दुनिया से हम सब को उठाइए। हमारे घर वालों के लिए भी दुआ कबूल फरमाइए और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी इसको कबूल फरमाइए, और हम सब को हर गुनाह से बचने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ऐसा ईमान, ऐसा यकीन, ऐसा एहसान नसीब फरमा कि हमारी जिंदगी की हर सांस आप पर फिदा हो और एक सांस भी हम आपको नाराज करके हराम लज्जत को अपने अंदर न लाएं। हमारे इस कमीनेपन को शराफत से तब्दील फरमा दीजिए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। 9 अक्टूबर को जुमे के दिन बाद नमाज फजर मस्जिद हमजा लीनी शिया में इरशाद फरमाया कि हस्बी अल्लाह का तर्जमा है कि सिर्फ अल्लाह ही मुझे काफी है। हस्बी अल्लाह असल में था अल्लाहु हस्बी, क्योंकि मुब्तदा मुकदम होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में खबर को मुकदम फरमाया। क्यों? तकदीम मा हक मा हक़ुहु ताखीर युफीदुल हसरा, तकदीम मा हक़ुहु ताखीर युफीदुल हसरा, जिसका हक ताखीर का था उसको मुकदम करने से माना हसर के पैदा हो जाते हैं। लिहाजा हस्बी अल्लाह का तर्जमा होगा कि सिर्फ अल्लाह मुझे काफी है। अगर कोई सिर्फ न लगाए तो तर्जमा गलत हो जाएगा। ला इलाहा इल्लाहु का लुगावी तर्जमा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन उसका आशिकाना तर्जमा करता हूँ कि उनके सिवा हमारा कौन है। अलैहि तवक्कलतु, यहाँ भी अलैहि को मुकद्दम फरमाकर तकदीम मा हक़ुहु ताखीर है, जिससे हसर के माना पैदा हो गए कि मैंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया, मैंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। अलैहि तवक्कलतु। और अल्लाह मियाँ ये क्यों सिखा रहे हैं कि मुझ पर भरोसा करो? आगे उसकी वजह बयान फरमा रहे हैं, वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, ताकि काफिरों को पता चल जाए कि मुसलमानों का अल्लाह पर भरोसा बेसबब नहीं। हमारी आहो फुगा यूं ही बेसबब तो नहीं, हमारे जख्म सयाको सवाक रखते हैं। अल्लाह ताला सिखा रहे हैं कि उसकी वजह बयान करो ताकि दुनियाए कुफ्र को मालूम हो जाए कि मुसलमान अल्लाह पर क्यों भरोसा करते हैं। वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, कहो कि चूँकि अल्लाह ताला अर्श अजीम का रब है, जितने फैसले होते हैं, बीमारी, तंदुरुस्ती, अमीरी, गरीबी, जिल्लत, इज्जत, मौत और हयात, जो कुछ भी जमीन पर फैसले आते हैं अर्श अजीम से आते हैं कि वो मजारी कजा है, यानी फैसले जारी होने की जगह है। मजरा के माना है जारी होने की जगह, मजरा की जमा मजारी है। मतलब यह हुआ कि पूरे आलम में जो फैसला आता है वो वहाँ से आता है। तो गोया अल्लाह ताला सिखा रहे हैं कि तुम सारे आलम में ऐलान कर दो कि जहाँ से फैसले आते हैं हमने वहाँ से अपना राब्ता और कनेक्शन कर लिया है। लिहाजा जब रब अर्श अजीम पर हम भरोसा करेंगे तो चूंकि फैसले वहीं से होते हैं इसलिए फिर हमारे हक में फैसले होंगे, क्योंकि सारे आलम की परवरिश के अहकाम भी वहीं से नाजिल होते हैं। लेकिन खुद अर्श आजम भी अपनी तरबियत में अल्लाह ताला का महताज है, इसलिए खालिक अर्श अजीम और मालिक अर्श अजीम नहीं फरमाया, रब फरमाया कि अर्श आजम भी मेरी तरबियत का महताज है। हमारी शान रुबूबियत से वो खारिज नहीं है, और अर्श आजम जन्नत की छत है, इसलिए अल्लाह की अजमत के वजन से अर्श आजम से एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ अहले जन्नत सुनेंगे, और जो लोग अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं उनको जन्नत से पहले ही मैदान मैदान महशर में अर्श आजम का साया मिल जाएगा, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐलान फरमाएंगे ऐन अलमुतहाब्बून फ़िया। अलमुतहाब्बून में अलिफ लाम माना में अल्लज़ीना के हैं। अरबी ग्रामर का कायदे कुल्लिया है कि इसमें फ़ाइल का अलिफ लाम माना में इसमें मौसूल के होता है। तो ऐन अलमुतहाब्बून के माना हुए ऐन अल्लज़ीना यतहाब्बून फ़िया। कहाँ हैं वो लोग जो दुनिया में मेरी वजह से आपस में मोहब्बत करते थे? उनकी जुबान एक नहीं थी, इलाके एक नहीं थे, कौमियत एक नहीं थी, खानदान एक नहीं था, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो लोग मेरे अर्श के साये में आ जाएं। तो मालूम हुआ कि अहले जन्नत को जन्नत में अर्श आजम का जो साया मिलेगा वो साया अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करने वालों को मैदान महशर ही में मिल जाएगा और उनका कोई हिसाब नहीं होगा। तो जहाँ हिसाब होगा वहाँ साया नहीं होगा और जहाँ साया होगा वहाँ हिसाब नहीं होगा। कैसी अजीब गरीब बात इस हदीस पाक से साबित हुई कि जहाँ हिसाब होगा वहाँ सूरज सवानेजे पर होगा और खोपड़ियाँ पक जाएंगी, हिसाब देने वाले पसीने पसीने हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह साये अर्श अता फरमाएंगे। यहाँ हिसाब नहीं होगा। यही दलील है कि जहाँ हिसाब होगा वहाँ साया नहीं होगा और जहाँ साया होगा वहाँ हिसाब नहीं होगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम का तर्जमा और तशरीह हो गई। इरशाद फरमाया कि आज जुमे का दिन है, इसलिए जुमे के दिन के 6 अमाल पेश करता हूँ। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमे के दिन 6 अमल कर लेगा तो अल्लाह ताला उसको मस्जिद जाते वक्त हर कदम पर 1 साल नफिल नमाजों का और 1 साल नफिल रोजों का सवाब देगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी का घर 50 कदम पर है तो 50 साल के नफली नमाजों का सवाब और 50 साल के नफली रोजों का सवाब मिलेगा। अमल बहुत आसान है, वसूल करना। नंबर 2 मस्जिद जल्द जाना, मगर इतना जल्द न जाए कि बाद में पेशाब लग जाए और दरमियान में उठकर जाना पड़े। अपनी सेहत और कुव्वत बर्दाश्त को जरूर देखें। अब अगर एक आदमी कमजोर है या उसको गैसेस की बीमारी है या पेशाब बार बार आता है तो इतना पहले न जाए कि जब खुतबा शुरू हो तो उसको पेशाब लग जाए। जल्दी जाना तो नफिल था और खुतबा सुनना वाजिब था, तो नफिल के लिए वाजिब खतरे में पड़ गया। इसलिए अपना तहम्मुल देखिए, इस लिहाज से इतना पहले जाइए कि फर्ज और वाजिब में खलल न पड़े। नंबर 3 मस्जिद पैदल जाना, ताकि हर कदम पर 1 साल नफल नमाजों का और 1 साल नफली रोजों का सवाब मिले। पैदल जाने से कदम बनते हैं, लेकिन अगर ज़ईफ़ उम्र है और पैदल जाने में तकलीफ होती है तो अल्लाह करीम है, मोटर पर जाने से भी वो इतना सवाब दे देगा जितने मस्जिद तक कदम बनेंगे। नंबर 4 इमाम के करीब बैठना। जब जल्द जाएगा तो इमाम के करीब जगह मिलेगी और वहाँ बैठ जाएगा। अगर देर से जाए तो इमाम के करीब बैठने के लिए लोगों की गर्दन फलांग कर जाना जायज नहीं है, क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ होती है। नंबर 5 खुतबे को गौर से सुनना, समझे या ना समझे गौर से सुने। ये नहीं कि खुतबा हो रहा है और ये उधर उधर देख रहा है, हर एक का जायजा ले रहा है, कौन आया कौन नहीं आया। यहाँ मर्दमशुमारी का सिस्टम नहीं है। इस्तांबुल हम लोग गए तो वहाँ की औरतें मुख्तलिफ डिजाइन की ओरियानियों में मुब्तला थी, तो मैंने दोस्तों से कहा कि खबरदार किसी औरत की तरफ न देखना, वरना आप लोगों को शैतान एक धोखा देगा कि यहाँ औरतों का जो लिबास है उसमें किस कदर ओरियानी और नंगापन है। किसी का घुटना तक नंगा है, कोई आधी जिस्म तक, कोई अंडरवियर पहने हुए हैं, कोई कुछ है। तो औरतों के लिबास और उनकी उरियानिया और नंगापन और मुख्तलिफ किस्म के फितनों को देख, ताकि अपने मुल्क में जब मेंबर पर लोगों को दीन की दावत देना तो यहाँ की औरतों की उरियानियत के मुख्तलिफ डिजाइन पेश करके उम्मत को उनसे बचने की ताकीद करना, तो इससे लोगों को ज्यादा फायदा होगा। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, लिहाजा शैतान के धोखे में न आना। अल्लाह ताला ने हमको हुस्न का रिसर्च ऑफिसर नहीं बनाया है, बस दुम दबा के नजर नीची करके बच जाओ, खैरियत इसी में है। ये बात लंदन और जनूबी अफ्रीका के उलमाए किराम ने जो मेरे साथ थे बहुत पसंद की कि वाकई शैतान बहकाता है कि जनाब इसको इस मंजर को देख लेंगे तो लोगों को अच्छी तरह समझा सके। जब हम इसको बयान करेंगे तो लोग यहाँ आए तो उनको निगाह बचाने में आसानी होगी। मैंने कहा कि इस नीयत से देखना भी हराम है। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न के रिसर्च के लिए नहीं बनाया है, सब के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि नजर बचाओ। तो मैं जुमे के 6 अमाल बता रहा था, गुस्ल करना, मस्जिद जल जाना, पैदल जाना, इमाम के करीब बैठना, खुतबा गौर से सुनना, लग़्व काम यानी फजूल हरकत न करना। बाज लोग खुतबे के दौरान फजूल हरकतों में लगे होते हैं, कोई चटाई को देख रहा है, कोई दीवार पर लगे हुए कतबे देख रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है। ये सही नहीं है। जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो सिर्फ खुतबा सुनना चाहिए। खुतबे में इमाम को हक है कि वो अपने खुतबे के दौरान कोई नसीहत कर दे, मगर मुक्तदियों को यह हक हासिल नहीं है कि किसी को नसीहत भी करें, उनको खामोश रहने के लिए कहें। यहाँ तक के दुआ मांगना भी दुरुस्त नहीं, आमीन कहना भी दुरुस्त नहीं, दिल में कह सकते हो, जबान को हरकत न दो। फुकहा-ए-किराम ने लिखा है इदा खरज अल इमाम फला सलात वला कलाम। जब इमाम खुतबा कहे तो जबान से न दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है, न नमाज, नहीं किसी किस्म का कलाम। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए और तकवा की सआदत से मसऊद और मुशर्रफ फरमाए। सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी तकवल्लाह और खौफ खुदा है। इसके बगैर गुनाहों से बचना मुश्किल, गुनाहों से बचे बगैर अल्लाह का प्यारा और मुकर्रब बनना मुश्किल है। इसलिए इसकी तरफ ध्यान तवज्जो देना चाहिए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ में ज़्यादातर हुस्न परस्ती, बद नज़री, बद निगाही से मुताल्लक़ बहुत अहतमाम से तवज्जो दहानी होती रहती है। उसकी वजह एक तो ये है कि हर किस्म के लोग हज़रत की मजलिस में मौजूद होते, मदारिस के उलमा से लेकर कॉलेज के बच्चे, बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े काम करने वाले, कंपनियों में काम करने वाले, बैरून मुल्क काम करने वाले होते। और ये मलफूज़ा तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वगैरह में हज़रत होते हैं। वहाँ का जो माहौल है, वहाँ अच्छे अच्छे दीनदार वज़ाक़ता में सर से पैर तक मसनून है, पगड़ी उगड़ी सब इत्मीनान से बांधते हैं, ना वहाँ कोई इससे रोकता है किसी को। लेकिन यह है कि इस सब के साथ जो है वो जो नफसानी हरकतें हैं, शैतानी हरकतें, वो सब भी चलती रहती हैं अपनी। तो इस वजह से हजरत को इसका तजर्बा है और लोगों से ताल्लुक़ है, इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाते हैं। और आप लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी नेमत है, ये मलफूज़ात हम सब लोगों के लिए, कि इस दौर में बदनिगाही और हुस्न परस्ती के खुफिया ज़राए मिल गए जिसमें शुरफा भी महफूज नहीं रह सकते। पहले शुरफा महफूज थे, दीनदार तबका महफूज था, मदारिस वाले महफूज थे, खानका वाले महफूज थे। अब कोई नहीं महफूज है, सब इसमें उलझे हुए हैं, इसमें मुब्तला है। अब इन नसीहतों को सुनकर और हजरत के दर्द दिल से जो तवज्जो दहानियाँ हो रही हैं, उम्मीद है कि अल्लाह ताला तालिबे सादिक को तो ज़रूर महफूज रखेगा और उसे अपने करम से इतनी हिम्मत दे देगा कि वो खलवत जलवत में सिद्क पैदा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक।